बीच हालिया समझौते ने एक बार फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति की उम्मीद जगा दी है। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच ये नया समझौता एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते से न केवल पेट्रोलिंग के नए नियम तय हुए हैं, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में भी सुधार के संकेत मिले हैं। आज हम जानेंगे कि इस समझौते के पीछे की कहानी क्या है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। सबसे पहले जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास क्या है और मौजूदा हालात कैसे बने। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन सीमा पर तनाव बना रहा। पिछले 4 सालों से पूर्वी लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में सैनिकों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी रही। साल 2020 के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हालात सामान्य करने के प्रयास लगातार होते रहे, लेकिन ये पहली बार है जब पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता हुआ है। इससे पहले सिर्फ तनाव कम करने की बात ही होती थी, लेकिन अब पेट्रोलिंग के लिए नए नियम तय किए गए हैं। इस समझौते की जानकारी सबसे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी है। जयशंकर ने NDTV वर्ल्ड समिट के दौरान इस समझौते के बारे में बताते हुए कहा कि इससे सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। उन्होंने आगे बताया कि 2020 से पहले भारत के सैनिक जहां तक पेट्रोलिंग करते थे, वे अब फिर से वहां जा सकेंगे। यह एक सकारात्मक कदम है जो भारत और चीन के बीच रिश्ते में सुधार की ओर इशारा करता है। जयशंकर ने इसे धैर्य और दृढ़ कूटनीति का नतीजा बताया है। 2020 में मॉस्को में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत के बाद इस दिशा में बातचीत शुरू हुई। अब जानते हैं कि समझौते की प्रमुख शर्तें क्या है और इसका दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक LAC में पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन ये पेट्रोलिंग सीमित होगी। प्रत्येक पक्ष एक समय में केवल 15 सैनिकों को पेट्रोलिंग पर भेजेगा और ये महीने में केवल 2 बार होगा। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि गलवान जैसी झड़पों से बचा जा सके। इसके अलावा डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने का समझौता हुआ है। इसका मतलब है कि जिन इलाकों में अब तक विवाद चल रहा था, वहां से दोनों पक्ष अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे और पेट्रोलिंग के नए नियमों के तहत शांति कायम करेंगे। अब बात करते हैं विशेषज्ञों की। इस समझौते के बाद विशेषज्ञों के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत चीन मामलों के जानकार प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र इसे एक सकारात्मक शुरुआत मानते हैं। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई वार्ताओं का नतीजा है कि यह समझौता संभव हुआ है। हालांकि कुछ जानकार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो तन्वी मदान और तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नितिन पाई का कहना है कि चीन के पिछले अनुभवों को देखते हुए इस समझौतों को लेकर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पहले भी चीन ने इस तरह के समझौतों को तोड़ा है। इस समझौते का भू राजनीतिक महत्व भी काफी बड़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले यह घोषणा की गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होनी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संयोग है कि ब्रिक्स से ठीक पहले इस समझौते की घोषणा की गई है, लेकिन इसका असर दोनों नेताओं की बैठक पर भी पड़ेगा। इसके अलावा चीन की मौजूदा स्थिति भी इस समझौते के पीछे एक कारण मानी जा रही है। चीन के अमेरिका के साथ संबंध खराब है और उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है। ऐसे में चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठा रहा है। संबंधों में सुधार का असर व्यापार और आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। 2022 में भारत और चीन के बीच 135 अरब 98 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि 2023 में ये बढ़कर
$136 अरब हो गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में भी यह समझौता एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा, खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और उच्च तकनीक वाले क्षेत्र में। अब एक सवाल जो इस समझौते को लेकर आ रहा है वो ये है कि क्या यह शांति स्थायी होगी? वैसे इस सवाल का जवाब अभी देना थोड़ा मुश्किल है। चीन के साथ पहले भी कई बार समझौते हुए हैं, लेकिन बाद में चीन का आक्रामक रवैया सामने आ जाता है। हालांकि ये एक बड़ा कदम है जो ये संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच शांति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये था भारत और चीन के बीच हुए पेट्रोलिंग समझौते का विश्लेषण। ये समझौता न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का संकेत देता है, बल्कि इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति की भी उम्मीद बनती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह एक पहला कदम है और इसके स्थायित्व का आकलन करना अभी बाकी है। आगे की घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।